पहले चरण में 58 सीटें, 58 रिपोर्टर लगातार आज तक के आपके पास हर जानकारी ला रहे हैं। मुजफ्फरनगर में मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ रही है। मौसमी, 2014, 17 और 19 बीजेपी ने यह पूरा स्वीप किया था, लेकिन टकेत, राकेश टकेत कह रहे हैं 2022 अलग होगा। इस समय जमीनी स्थिति क्या है, वोटरों में उत्साह कितना है, मुद्दे क्या रहे? जी गौरव, आपको बता दें कि सुबह से हम लोग पूरे इलाके में दौरा कर रहे हैं और मुजफ्फरनगर सदर की सीट से अब हम चरथावल पहुंचे हैं। चरथावल वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे पंकज मलिक गठबंधन से हैं और वो अकेले ऐसे कैंडिडेट है गठबंधन से जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे लड़ रहे हैं, यानी कि मुजफ्फरनगर की बाकी सीटों पे रालोद के सिंबल पे लड़ा जा रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि पंकज मलिक के सामने सपना कश्यप हैं, जिनके हस्बैंड मंत्री थे योगी सरकार में, पर उनका कोरोना काल में निधन हो गया था, तो वो उम्मीद करिए कि उनको सिंपथी वोट मिलेगा। और सलमान सईद बसपा से हैं, बसपा का भी अच्छा वोट बैंक है, पर सबसे पहले आपको वोटर से मिलाते हैं। सबने वोट डाल दिया है, चलिए निशान दिखाइए सब लोग, तो वोटर और आप लोग अपील करेंगे जनता से, निकले हाँ निकले आओ, वोट डालो और अपना बाहर निकल आओ, हाँ सब घर से बाहर निकलो, सबको वोट करना चाहिए, यही तो अधिकार है हमें वोट डालने का, और क्या अधिकार है।